करो सिट डाउन। कल परसों जाएंगे बाहर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपने वन नंबर पे स्टेशन पे जो आपने एक्सरसाइज देनी है, सेकंड पे डिफरेंट, थर्ड पे डिफरेंट, फोर्थ फिफ्थ, सारी डिफरेंट एक्सरसाइजेज आएगी। अगर आपने एक्सरसाइज रिपीट कर दी है तो आपका सर्किट ट्रेनिंग प्लान जीरो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपने रिपीट कर दी है तो वो क्या होगा, ट्रेनीज जो आपका जो सीखने वाला है उसको क्या होगा, अगर आपने सेम मसल को इन्वॉल्व कर दिया तो मसल टीयर अप हो जाएगा, ठीक है। व्हाइल मेकिंग दिस सर्किट ट्रेनिंग मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द नॉलेज रिगार्डिंग द एक्सरसाइजेस एंड मसल्स। इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं मसल्स के नेम आपको टिप्स पे आने चाहिए, एक्सरसाइज का उनको जितनी आपको 20 मैंने एक्सरसाइज लिखाई है वो आपको सारी टिप्स पे आनी चाहिए। अगर हमने यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है मेक ए सर्किट फॉर लोअर एक्सट्रीमिटीज, गर्ल्स बताओ व्हाट इज लोअर एक्सट्रीमिटीज, बॉयज हाँ जी फर्स्ट टाइम सुना है, लोअर एक्सट्रीमिटीज और लोअर पोर्शन होता है जो हमारा वेस्ट से नीचे वाला होता है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बुक में नहीं लिखा होगा। आपको बोलते हैं ना लोअर पोर्शन अपर पोर्शन, दैट इज लोअर पोर्शन, उस लोअर पोर्शन की आपने एक्सरसाइजेज लिखनी है। अगर आपको पूछा अपर एक्सट्रीमिटीज देन यू हैव टू ड्रॉ ए सर्किट ऑफ अपर पोर्शन। अगर आपको वहां पे हमने बोला ड्रॉ ए सर्किट ट्रेनिंग फॉर अ, वो तो बहुत एडवांस हो जाएगा। अगर आपको किसी गेम से रिलेटेड हम बोलते हैं कि आपने कोई थ्रोअर के लिए बनाना है या कोई जंपर के लिए बनाना है तो उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइजेज आनी चाहिए। वो तो थोड़ा वास्ट बहुत हो गया, बट सिंपल जर्नल स्पेसिफिक विशाल, जर्नल स्पेसिफिक ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जर्नल मीन्स फॉर क्या, सारी बॉडी पार्ट से रिलेटेड। आप एक जर्नल बना रहे हो सर्किट ट्रेनिंग मेथड, आपने वो हर गेम के लिए सूट कर रहा है, वो बेसिक चीज है आपकी हर गेम के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपने नेक्स्ट स्टेप उसमें आएगा स्पेसिफिक। व्हेन यू आर गोइंग आफ्टर जर्नल, आपने थ्रोअर के लिए, क्रिकेटर के लिए, हॉकी प्लेयर है, फुटबॉलर है, जो बास्केटबॉल के डिफरेंट प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उनको स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, जो आपकी पावर गेम है, स्ट्रेंथ गेम है, उनका डिफरेंट होगा। इसके लिए जब तक आपको एक्सरसाइज का, अगर मैं आपको बोलता हूँ राइट एनी टू नेम्स ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेज फॉर स्पीड, क्या लिखोगे, बस ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको बोर्ड में, राइट एनी फोर एक्सरसाइजेस फॉर स्ट्रेंथनिंग योर एब्डोमिन मसल्स, फोर एक्सरसाइज। स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स उसके लिए होते हैं सिटअप्स के लिए। वो प्लस वन में आ गया तू अभी, बोला बाला क्या, व्हाट इज दिस, हाँ जी हाँ, रेजिंग लेग अपवर्ड्स, गुड। आपस में नहीं, मुझको बोलो क्या करना है, क्या डिस्कस कर रहे हो तुम लोग। जब तक बेटा आपको वो 20 एक्सरसाइज का नहीं पता होगा, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज के आगे वो भी लिखा है कि विच एक्सरसाइज फॉर विच मसल्स, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज को आप डिफरेंट वे में भी कर सकते हो, जैसे आप सीटअप्स कर रहे हो, सीटअप्स क्या है, सिंपल सीटअप्स है, ध्यान से सुन लो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। देन यू हैव टू लिफ्ट मेडिसिन बॉल, बॉल को पकड़ लो, देन यू स्टार्ट सिटअप्स। सिटअप्स में आपने सिंपल किए, ठीक है, फिर आपने मेडिसिन बॉल ले ली उसके साथ सिटअप्स किए, देन ट्विस्टिंग योर
बॉडी ऐसे राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, दैट इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक, जो ये यहाँ पे होता है ना मास फैट्स, मोस्टली चर्बी यहाँ चढ़ती है और उसके बाद फिर वो एक्सरसाइज नहीं करोगे, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिड्यूस दैट, उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है ये, ठीक है। फिर लेग रेज कर लो, देन क्या करते हो आप वॉल, वॉल के साथ क्रंचेस, वॉल के साथ आप ऐसे लेट जाते हो, आपका पार्टनर आएगा, वो आपने लेग्स को लिफ्ट करना है, वो पुश करेगा, वो उससे कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड जो एक्सरसाइज पे आप जाते हैं, जब आप यूज टू हो जाते हो सिंपल करने के बाद, वो फिर डिफरेंट एक्सरसाइजेज है। आप मेडिसिन बॉल से, जो आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप नहीं ऊपर उठ सकते हैं, अगर आप 1 kg भी अगर मेडिसिन बॉल ले लो तो आपको इतना मुश्किल होगा आपको लिफ्ट करना बॉडी में। अगर आप यूज टू हो गए देन यू 2 kg 3 kg, ठीक है, दैट डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेंथ। सेम आपका जो स्पीड का इसने बोला हाई नी एक्शन, विच एक्सरसाइज दैट हाई नी एक्शन कैसी होती हो, हाई नी एक्शन। अरे स्पीड की एक ही दो एक्सरसाइज हैं जो आप, जिससे आप लिटिल बिट यू इंप्रूव योर स्पीड, स्पीड का ये नहीं है, दैट इज हेरिटेटिकली जेनेटिकली। आप स्पीड को ये नहीं कि आप 10 सेकंड पे लेके आ जाओ, अगर आप 11-12 कर रहे हो, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। उसमें हम क्या करते हैं, आपका रिफ्लेक्सिस, रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन रन, ये चीज को हम इंप्रूव करते हैं, दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन योर फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स जो जेनेटिकली होते हैं। कितनी बार आपको मैंने ये बता दिया, हाई नी एक्शन होता है, आपने भागते हुए एक्सरसाइज करनी है, नीज को चेस्ट के ऊपर लेके आना है वाइल रनिंग, ठीक है। पहले आप जॉगिंग शुरू करोगे, जैसे जैसे आप भागोगे ये आपका नीज चेस्ट पे टच होना चाहिए, अल्टरनेटिवली ये राइट आ गया ये लेफ्ट आ गया आर्म्स के साथ अल्टरनेटिवली, जैसे हम ये भाग रहे हैं ये ऑपोजिट, ठीक है। और जितना आप ये चेस्ट के साथ लेके जाओगे, आपकी जो स्टेप्स क्या होता है रनिंग में, जो आपका एक्सटेंशन ऑफ योर लेग्स है, कभी आपने अच्छी तरह से ध्यान से देखना, जो स्प्रिंटर्स होते हैं 200 मीटर वाले हैं 100 मीटर वाले हैं, उनकी लेग्स को देखना कितनी स्मूथली एक्सटेंड, पीछे एक्सटेंड होगी वो ही आगे आएगी। मूवमेंट ऑफ एक्शन जो आपका एक सिंगल मूवमेंट ऑफ लेग्स का, उसी से आपको स्पीड मिलेगी, ठीक है। तो वो हम इंप्रूव करते हैं इस एक्सरसाइज से। सेकंड एक्सरसाइज जो लेटेस्ट आज की डेट में आपने आज क्या काफी टाइम हो गया, मिल्खा सिंह की मूवी देखी है, क्या करते हैं वो, यहाँ पे आपके टायर्स बांध देते हैं वो, ठीक है। जब आप अपने वेट से ज्यादा वेट के साथ रनिंग करोगे, नेचुरली आपके लोअर लेग्स में स्ट्रेंथ और ज्यादा आपकी पावर बढ़ेगी। फिर सैंड में, जो सी या कहीं आप रेत, जहां रेता सा हो वहां पे अगर आप भागते हो, वहां पे बहुत ज्यादा जोर लगता है, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस है। पहाड़ वाले का कुछ और होता है, दैट इज फॉर इंडोरेंस, वो क्या होगा, दैट इज हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, उसको क्या बोलते हैं पहाड़ की ट्रेनिंग को, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। व्हाइल यू आर डूइंग योर एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग इन लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एरिया, तो वहां पे क्या होता है, उसके बाद जब आप प्लेन्स में आओगे जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी है, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, क्योंकि आपको कम ऑक्सीजन में आपके बॉडी को क्या है, ब्लड के थ्रू क्या जाता है ऑक्सीजन, अगर कम में भी आप अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हो, जब आपको पूरी ऑक्सीजन मिलेगी मसल्स को, नेचुरली क्या होगा उसमें और स्ट्रेंथनिंग आएगी। जो ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, व्हाइल यू आर गोइंग फॉर अ हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, आपका शिमला से ऊपर एक सिलारू जगह है, दैट इज अ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको एक्वायर किया है, वो पूरा एक पहाड़ी इलाका है, वहां बहुत बड़ा उन्होंने स्टेडियम बनाया, पूरा ट्रैक बनाया 400 मीटर का, आपके इंडिया के हॉकी के कैंप, आपके एथलेटिक्स के कैंप, अभी पीछे आर्चरी वाले वहां पे थे, तो मोस्टली वो वहां पे उनको भेज देते हैं,
अगर सम टाइम आपका कोई वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह जहां पे आपके मैचेस हो रहे हैं वहां का थोड़ा हाई, मतलब वहां का सी लेवल थोड़ा हाई है, तो वो वहां पे ट्रेनिंग करेंगे सारे, समझ गए हो ना? क्योंकि अगर आपने कहा यहाँ पे प्लेन आपको हाई एल्टीट्यूड जहां ऑक्सीजन थोड़ी सी कम होगी वहां पे आपने ट्रेनिंग कर ली है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी आपके एंडोरेंस वाले हो गए या कोई बॉक्सिंग वाले हैं उनको वहां पे कैंप में भेज देते हैं, तो उन्होंने बनाया इसीलिए हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर्स फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उनका बेसिक्स यही मोटिव होता है कि वहां पे कोई, एक तो आपका वहां पोल्यूशन नाम की चीज ही नहीं है, बिल्कुल ग्रीनरी है, ठीक है, कोई गाड़ी कोई कुछ नहीं वहां पे, वो अपने सुबह से शाम तक कंटिन्यू उसमें बिजी रहते हैं जितने भी आपके प्लेयर्स हैं। ये जो आपका डिफरेंट एक्सरसाइज का जो मैं ये बता रहा हूँ, इसमें सबसे हमको एक बेनिफिट इसका क्या मिलता है, वी कैन इन्वॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेनिंग इन सिंगल टाइम। अगर सपोज मैंने ये 9 ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं सर्किट, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास बच्चे नंबर ऑफ ट्रेनिंग ज्यादा है तो मैंने यहाँ पे एक पे 5 को खड़ा कर दिया पॉइंट, कितने हो गए, 9 × 5 = 45, 10 को कर लो, ठीक है, 7 कर लो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, और वी कैन मॉनिटर दिस सर्किट, बिल्कुल आप इजीली इसको मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि आपने क्या कहा यहाँ पे हमने एक्सरसाइज दे दिए सिटअप्स, आगे हमने हाई नी एक्शन दे दिए, तो क्या कर रहे हैं आप आराम से उनको वॉच कर सकते हो। हमने टाइम क्या दिया, 30 सेकेंड फॉर ईच एक्सरसाइज, 30 सेकेंड आपने एक्सरसाइज करनी है एंड देन यू चेंज योर सर्किट, आपने 1 से 2 पे 2 वाला ऐसे आगे वो रोटेट होते रहेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस एक्सरसाइज देन देर इज ए 1 सेट, वो एक आपका एक सेट होगा पूरी एक्सरसाइज का, और 3 to 5 सेट हम इसके करते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको अगर आप करते हो उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होगी आपकी टॉप से लेके बॉटम तक, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू गिव अ। और सबसे बेनिफिट इसका क्या हमको मिलता है, आप किसी हॉल पे कर सकते हो उसको, देयर इज नो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक ग्राउंड की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप इसको इजिली किसी हॉल में भी कर सकते हो, किसी वेदर में कर सकते हो, ठीक है, कोई भी वेदर हो कैसा भी एनवायरनमेंट हो आप इंडोर हॉल में लेके बच्चों को वहां एक्सरसाइज करा सकते हो। तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ये आप तभी बना पाओगे जब आपको पता होगा कौन सी एक्सरसाइज किस लिए कैसे करनी है, उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। अगर आपने बाइसेप्स कर्ल करने, फोर आर्म को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आपने थाइस के जो मसल्स है उसको कैसे करना है, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, जब तक ये नहीं पता होगा देन देयर इज नो यूज। बार बार आपको मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आपको एक्सरसाइजेस, मसल्स के नेम, बोन्स के नेम्स, ये आपको सारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है फॉर ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स क्या है, ट्रेनिंग क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, क्या डिफरेंस होता है? ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग इज अ थ्रेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। आप वो ट्रेनिंग किसी भी चीज की ले सकते हो, पढ़ाई की, डिफरेंट सब्जेक्ट की, मैथ साइंस, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो। पर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है, इट इज रिलेटेड टू योर परफॉर्मेंस, ठीक है, इट इज ए सिस्टमेटिक वेल प्लान लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी टू एनहांस योर परफॉर्मेंस। सिंपल है, टू गेट द हायर लेवल, टू गेट द टॉप लेवल ऑफ योर अचीवमेंट, दैट इज अ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है। अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आपको जो ये चैप्टर है 8th यूनिट में, इसमें आपको सारा उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम का दिया है। यस्टरडे लास्ट क्लास में हमने वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दैट। सबसे पहले फंक्शन में क्या होता है आपका, सर्कुलेटरी फंक्शन में हार्ट में ब्लड कहां से आता है, क्या फंक्शन है हार्ट का मेन, स्टार्टिंग से बताओ ना, फर्स्ट स्टेज क्या होती है उसकी, सबसे पहले कहां से ब्लड आएगा, कहां जाएगा, क्या करेगा, किसको पता है, ब्लड वेसल्स, हम्म,
बोलो क्या बोल रहे हो? सबसे पहले आपके कहां पे ब्लड आता है, कौन से चैम्बर में आता है हार्ट में? लेफ्ट में आता है। क्या करता है फिर हार्ट से कहां जाता है? नहीं, वो जो सीधा आपका हार्ट में आता है वो सीधा बॉडी में भेज देते हूँ। वही आपको ये नहीं पता है कि जो आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड कहाँ से? हाँ, तो फिर मेन तो वही है फंक्शन हार्ट का। मेन बेटा ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका आता है इंफीरियर सुपीरियर वेना को हुआ से, ठीक है, वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ओरिकल से जाएगा उसमें लंग्स में, लंग्स में जाके प्योरीफाई होके देन ओरोटा के थ्रू आपका पूरे बॉडी पार्ट पे जाएगा, ठीक है ना। ये मेन फंक्शन है आपका हार्ट का। और हार्ट और आपका मस्कुलेटरी सिस्टम, इसका दोनों का मेन रोल है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ये बेसिक चीज है, आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको हार्ट का सारा वहां पे करना है। समटाइम देयर इज अ क्वेश्चन, आप उसको ड्रॉ करो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट, ये भी आ सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, फिजिकल एजुकेशन है। अब आप बोलोगे व्हाट इज इक्विलिब्रियम, आपको न्यूटन्स के लॉ है ना इसमें? ये सब कुछ आपको है। आपको मैं रोज क्या बोलता हूँ कि ये जितने भी ये आपके सब्जेक्ट है ये सारे ये पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसमें आपको कोई बेटा ओए लिसन, आपको कोई वहां पे इतना वो नहीं है वास्ट स्केल में, जस्ट आपको है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन आता है ना, सेकंड आता है, थर्ड आता है, नाउ लिसन टू मी, ओए स्टॉप टॉकिंग, ओए ओए सुन लो, सुनाई दे रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, सुन लो ध्यान से। आपको कोई वहां पे बहुत उसमें वास उसमें नहीं लेके जाएंगे, बट उनको बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। जितने भी आपके गेम्स हैं उसमें ये तीनों लोग अप्लाई करते हैं आपके, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बस ये जो रिलेटेड इससे आपको क्वेश्चन है वो आएंगे। आप किसी बॉल को पकड़ते हो, किक मारते हो, बॉल रेस्टिंग पे, वो सारे न्यूटन्स के लॉ लगते हैं। जो फोर्सेस है वो कहाँ पे है, दैट इज बायोमैकेनिक्स। आप जो एंगल ऑफ रिलीज करते हो वो कैसे होता है, आप शॉर्ट पुट फेंक रहे हो 42 की एंगल्स में, क्या व्हाट इज दैट, दैट इज बायोमैकेनिक्स। आपका टेक ऑफ है लॉन्ग जंप में, आपने लैंडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारे बेटा फिजिक्स के लॉ ही है वो सारे। वो आपको डिटेल में थोड़ा उन्होंने पूछना, जस्ट आपको पूछना है कि ये क्या चीज है, किससे रिलेटेड है। तुमने तो 10th में पढ़े हैं सारा, 9th में पढ़े हैं ना, तो बस उससे कम ही है सारा कुछ, उतने लेवल का नहीं है, हल्का सा है बस, उसमें टच दिया भाई। जिस दिन जाएगा ना उस दिन पता लग जाएगा कैसे करते हैं। तुम लोगों को मेरे को लगता है एक दिन दो एक दिन लगाने पड़ेंगे मेरे को तरीके से जरा।
बाहर रहोगे दोबारा बाहर जाओगे भी नहीं। अभी तुमने बाहर देखा नहीं भी क्या काम होता है। आपको वहां पे पता है क्या, जो सेंटर लाइंस होती है ना ग्राउंड की, वहां पे वो बोलते हैं आपको दिख रही है लाइन वहां की, आप बोलोगे हाँ जी दिख रही है, अच्छा सिट डाउन स्टार्ट फ्रंट रोल, एक दो तीन के बाद वो इधर वाला उधर पहुंच जाता है, उधर वाला उधर पहुंच जाता है, इसको पता होगा। उसके बाद आप उठोगे तो चक्कर आएंगे, गिरना शुरू हो जाओगे। पता है फ्रंट रोल आधों के आपको आता ही नहीं होगा। जिस दिन आप हॉल में फ्रंट रोल लगा दोगे ना स्टार्टिंग से एंड तक, नहीं कंप्लीट लगाने तो आपको लगा लोगे 2 3 4 5 6, बट इफ यू कंप्लीट दैट, तो आपको बायो मैकेनिक्स बोल दिया न्यूटन, आप लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। जब हम लोग भी साइंस, कोई साइंस से रिलेटेड होता है स्पोर्ट्स वाला, अगर आपने प्लस टू के बाद गई हो जो स्पोर्ट्स कर रहा है बच्चा, ठीक है, वहां पे जब NIS में जाते हैं ना, वो पहले पूरे हार्ट का बनाएंगे आपको। फर्स्ट डे वहां पे लोग खड़े हो जाते हैं कि सर हम NIS करने आए हैं, आपको सिंपल मैं बता रहा हूँ। जब हम लोग भी NIS करने गए तो वहां पे जो हमारे एक टीचर थे, वो आपका इंग्लैंड से कौन सी हो फेमस यूनिवर्सिटी, वहां से आए थे वो ऑक्सफोर्ड, और उनका एक तो बोलना ठीक है, और हमारे साथ जो लड़के थे वो बहुत तू बोलना शुरू हो गया, नहीं सीधा होके बैठ जाओ या तू इधर आ जा मैं बैठ जाता हूँ। फिर दो चीजें हैं आपके, 19 इंटरनेशनल प्लेयर थे हमारे टाइम एथलेटिक्स के, और दे ऑल आर स्पोर्ट्स के अवार्डीज, जो इंडिया के नेशनल लेवल के प्लेयर थे। अब आप लोग उनको पहले दिन ही दिखा दिया ये हार्ट है, ये इतने चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, आपका लीवर का क्या रोल है, सबको ही होता है। हम लोग भी जैसे हमने साइंस हो ना पढ़ी, 10th तक सब पढ़ते हैं, उसके बाद तो सारा जो खेलने वाला बच्चा वो कहाँ पढ़ेगा। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, और वो क्लियर करना बहुत जरूरी होते हैं एग्जाम। वहां पे ये नहीं बोल सकते आपकी मैं स्पोर्ट्स वाला हूँ, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, एंड आपको ये मतलब सोच के हैरान हो गए कि उसको डी ग्रेड मिला था, सी ग्रेड डी ग्रेड। चांदगी राम इज द वन ऑफ द मेडलिस्ट, एशियन मेडलिस्ट वॉकर, ड्यू टू दिस थ्योरेटिकल पोर्शन। अब वो जो इंटरनेशनल प्लेयर है कौन पढ़ता है कौन जाता है, अब वो सारे उन्होंने चार्ट बना दिए, ठीक है, GTMT जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग मेथड, आपको वो करना ही होगा। अगर आपने कोचिंग करनी है तो आपको अगर उस चीज का नहीं पता होगा तो आप क्या कोचिंग करोगे। अब बच्चे की पल्स जा रही है, आपको ये नहीं पता ये किस रेट पे चल रहा है, आप एक्सरसाइज करा रहे हो उसका वर्क शेड्यूल कितना है, उसको कितनी एक्सरसाइज की जरूरत है, ठीक है, तो वो सारी चीजें जब तक आपको नहीं पता होगी आप किसको क्या कराओगे। इस करके ये सारी चीजें कंपलसरी हैं। अगर वेदर यू आर अ नेशनल प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर, यू हैव टू, फिर जो ग्राउंड टेस्ट है आपका वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। दोनों खड़े होके बाहर चल जाओ, है?